मित्रों, मानव जीवन बहुत बहुत मुश्किली से 84 लाख जीवा योनि के परिवर्तन के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। आप सब कुछ खरीद सकते हो, पर मानव बनना ये कोई खरीदने वाली वस्तु नहीं है, ये आचरण है। प्रथम चरण आचरण, आपका चरण आचरण है वही आपका चरण है। और ऐसा मनुष्य जन्म हम कितने सौभाग्य से, कितनी साधना के बाद हम प्राप्त कर चुके हैं, इसका उपयोग कैसे करना वो अब हमारे हाथ में है। और मैं आजकल देख रहा हूं कि हमारा जीवन, मेरा तेरा, राग द्वेष और अपराया पराया, इसमें विभाजित होकर के हमने जीवन को तोड़ दिया है। हमारे में एक जीवन, जीवन के प्रति आदर, प्रेम, आदमी को देखकर जो आनंद आना चाहिए, इसलिए आज हम अपने अपने में बंटवारों में, कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता है मुस्लिम है, कोई कहता है क्रिश्चियन है, और हिंदू में भी कितनी, वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैष्णव हूं, ये वैश्य है, ये सब टुकड़े टुकड़े, उसमें भी टुकड़े हमने इतने बना दिए हैं। हमारे में जो एकता, मैत्री, प्रेम और सबको देख करके हमको ये प्रतीत नहीं होती कि मनुष्य एक परमात्मा बन सकता है। खुद में खुद को देखना वही खुदा है। खुदा कौन? खुद को देखो, तुम कौन हो? नाम नहीं, नाम तो जन्म के बाद दिया गया है, पर जो जन्म लिया है, जो आया है, वो कौन है? उस आत्मा को आप अगर देख सको तो आखिरी तक आपको प्रतीत हो कि मैं एक ऐसा आत्मा हूं, मैं ऐसी एक रूह हूं कि महात्मा बन सकता हूं, परमात्मा बन सकता हूं। यानी परमात्मा ये बाहर नहीं है, हमारे में ही है। जैसे जैसे ऊपर से आवरण निकल जाते हैं, ऐसे धीरे से जो छुपी हुई जो ज्योति है वो बाहर आती है। ऊपर आवरण है राग के, द्वेष के, अहंकार के, ये सब इतने आवरण है कि इस आवरण के कारण हम खुद को भूल बैठे, हमको याद नहीं है। आज आपको पूछो कि आप कौन हो, तो आप नाम से कहेंगे। अगर आपका नाम, अगर जो कालिदास है तो भी आप कहेंगे हम, आपका नाम क्या, तो कहे कालिदास। पर भाई आप तो काले नहीं हो, आप तो गोरे गोरे हो, तो कहे नहीं गोरा नहीं, पर मेरा नाम कालिदास है। एक भाई ने
जूने जमाने में 51,000 रुपया दिया था एक लाइब्रेरी के ऊपर अपना नाम देने का अहमदाबाद में। उस भाई ने नाम दिया तो उन्होंने पूछा कि साहब आपका नाम 51,000 उस जमाने में आपका नाम क्या, तो क्या कचरा भाई। अरे के साहब आपका 50,000 51,000 देते हो नाम लिखने का है, तो क्या 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 देगी कचरा भाई। अरे भाई के साहब कचरा भाई, अरे के मैं हूं कचरा भाई, क्योंकि उसके नाम को प्रतिष्ठा है, कचरा है तो अभी मैं, हमारा अहम किस प्रकार से हमको विकृत बना दिया है। भाइयों अपना कोई नहीं है, अगर आप आपके नहीं तो आप किसी के नहीं हो सकते, और जो अपना है वो सबको अपना मानेगा। तो आज ये है कि खुद को पहचानो, याद करो, बैठो के को हम, फजर को उठ के पूछो, मैं नाम नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, एक ज्योति हूं, परम ज्योति, परमात्मा की ज्योति बीच में दर्शन हो जाता है। अगर उसका अनुभव हो जाए तो हमको उम्र की बाधा नहीं आएगी। आज गिनते हैं कि भाई आप 80 हुए, 90 हुए, ये सब दिमाग में भरा हुआ है, आत्मा की कोई उम्र है नहीं। मीरा जी ने कहा था कि हंसलो नानो ने देवर जूनू तो थई, आत्मा तो सदा एक युवानी है, एक देवर है, एक शरीर है वो पुराना होता है। तो ध्यान में आत्मा और शरीर इसका भेद ज्ञान होना चाहिए, और जब जब बैठ के बैठो तो शरीर के ऊपर होने वाली वस्तुओं के ऊपर साथ आत्मा में मिश्रित मत करो, खुद को स्वच्छ होके देखना है। इसीलिए जो आदमी आत्मा को याद रखता है और शरीर को भूल जाता है उसमें शक्ति का सदा आविर्भाव रहता है। थोड़े बरस की बात है, मैं जो पायधुनी के ऊपर चातुर्मास था, बहुत बरसों की बात कर रहा हूं, तो एक भाई वहां भोईवाड़ा में बीमार थे, मुंबई में भोईवाड़ा करके है भोईवाड़ा, तो वहां पर एक भाई बहुत बीमार थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, उनके बेटे को कहा कि मैं इतना बीमार हो गया हूं, अब मुझे भरोसा नहीं है, मैं कब जाऊंगा, मुझे मंगलाचरण सुनना है, अंतिम आराधना करनी है, तो तुम जाकर के चित्र भानु जी को बुला लो। तो उनका बेटा मुझे मिलने को आया, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी बहुत बीमार है, पलंग में सोए हुए हैं, नर्स के बिना खड़े हो सकते नहीं है, इतने निर्बल हो गए हैं, आप आइए, आप मंगलिक सर उनको सुना दीजिए, कोई कोई भरोसा नहीं है। तो हम गए, उनको मंगलिक सुनाया, पर जब मैं गया तो सोए हुए थे, वो उठ नहीं पाए, दो लोगों ने उसको मदद दिया, नर्स ने सहायता दी, वो बैठे और हमने मंगली सुनाया। बहुत निर्बल थे, शरीर बहुत दुबला हो गया था, उनमें ताकत नहीं थी, और धीरे से वो वापिस हो गए, मैंने मुंगली सुनाया, मैं चला गया। 3-4 दिन के बाद एक दिन पेपर में आया कि भोईवाड़ा में आग लगी थी, और वो जो पुराना जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी थी। तो जब मुझे ये पता लगा कि वो बिल्डिंग तो आग लगी,
और रात का समय था, शाम का समय था, तो उस वृद्ध आदमी का क्या हुआ होगा। तो मैंने एक भाई से पूछा कि भाई तपास करके आओ, वो वृद्ध थे, आग लगी थी, उसका क्या हालत है। तो उसने कुछ बराबर जवाब नहीं दिया, पर उनको पता लगा कि उनको कोई हुआ नहीं है, है बराबर है। तो मैं गया वहां पर मिलने को, जानने के लिए, और मैं जाकर के उनको मिला, वो सोए हुए थे। उसने नर्स को, नर्स ने बुलाया, नर्स ने उसको उठाया, गया, अरे के साहब तुम्हें बीजी बार आया, बहुत सारू थे वो। मैंने कहा कि आज मैं इसलिए आया हूं कि जानने के लिए कि मैंने सुनी कि इस बिल्डिंग में आग लगी थी और तपास की कि आपका क्या हुआ। तो किसी ने मुझे बताया कि सबसे पहले नीचे उतरने वाले एक बीमार आदमी थे, सबसे पहले। तो मेरे दिमाग में कुछ बैठा नहीं कि रात को तो नर्स तो है नहीं, और उनका बेटा सिनेमा में गया था, और आग लगी तो आपको उठाने वाला कौन। उन्होंने जो एक उत्तर दिया, उसने एक ज्ञान का किरण दे दिया मुझे। मैं भाई तुम्हें शू थे, तुम्हें बताए तो कोई हता नहीं, शू थे तुम्हें मादा आता नहीं, कि साहेब हूं तो भूली गयो के हूं मादो। मैं सांभू के आग लागी छे, भूली गयो, हूं बीमार छु, ये मारो विचार मने बीमार करे। आज आप जो दुखी हो आपके विचार के कारण है। आज आप गरीब हो वो आपके विचार के कारण है। आप दूसरों को देख करके छोटे बन जाते हो, आपके विचार के कारण है। आप समझते हो कि करोड़पति है और आप आपको छोटा बना देते हो। वो करोड़पति तो तुमको क्या, तुम भी एक इंसान हो। आदमी ने खुद को जितना नुकसान किया है उतना और किसी ने नहीं किया है। हमने क्रोध कर करके अपने दिमाग को बिगाड़ दिया, औरों की ईर्ष्या करके कि मेरा भाई ऐसा कैसे हो गया, हमने अपनी शांति को, प्रेम को जला दिया। लोगों को बताने के लिए माया करके हम जो है वो मिट गए, और लोग के लिए कोई संतोष नहीं है। जितना पैसा ज्यादा आता है उतना वो गरीब होता जाता है। आज मिलियनर देखो, उनको संतोष नहीं है। हम कहें कि भाई इतना पैसा है कि साहब आपने दुनिया तो देखी है कि रॉकफेलर के पास पैसा है, इतना हमारे पास थोड़ा ही है। अरे भाई रॉकफेलर से और तुम्हारे से क्या नाता है। पर हम ये लोभ के कारण, अज्ञान के कारण, खुद की पहचान न होने के कारण हमने अपने को बहुत छोटा बना दिया है, बड़ा नुकसान है। इस भाई ने मेरे को समझा दिया कि हूं भूली गयो कि हूं मांदो छू। आप मानते हो कि मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मेरे पास है एक मान, मान करके आपने खुद को खुद रहने नहीं दिया है। औरों के
आपके जैसा इतना पैसा कैसे हो, ऐसा मकान कैसा हो, इसकी गाड़ी कैसी हो, इस झंझट में सारा जीवन पूरा हो जाएगा। ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं को जाने के वक्त इस दुनिया में से वो कहे कि मुझे जो पाना था मैंने पा लिया, मैं जान लिया कि मैं परमात्मा हूं। आप परमात्मा हो, तत्त्वमसि। जो महासूत्र है, चार महासूत्र है, तत्त्वमसि, तुम वही हो जो तो आप ढूंढते हो। तत्त्वमसि, तू ही वो भगवान है, तू ही वो परमात्मा है, तू वो सच्चिदानंद है, वो हमको याद नहीं। आपको जितना आपका नाम याद है उतना आप चिदानंद है, वो आपको याद नहीं है। और मनुष्य जन्म में कोई पाने वाली वस्तु है, प्राप्त करने वाली वस्तु है और जानने वाली वस्तु है, तो खुद की पहचान। खुद को जान लो कि मैं कौन हूं। मैं चैतन्य हूं। अब हम अमर भाई ना मारेंगे। अब मैंने जो गाया गीत वो बड़ा अद्भुत आनंद घटी का गीत है। अब हम अमर भाई ना मारेंगे। अब हम जान लिया कि मैं मरने वाला नहीं हूं, शरीर मरता है। और यहां से जो कुछ अच्छा काम किया उसका परिणाम लेने के लिए आने वाला जन्म है। तो आपका प्रथम चरण आचरण हो जाएगा। आपके जीवन में आचरण जो जो करते हो वो सब चरण आचरण हो जाता है। और फजर को रोज आप समय करके थोड़ा रोज से शुरू करो कि मैं कौन हूं। मैं एक आमा हूं। थोड़ा ध्यान करो, प्राणों में उसमें ले आओ। तो जो कुछ आपको होना है आज कर लेना है। आपके पास इतनी शक्ति है कि जो कुछ बनना है वो आप इस जन्म में बन सकते हो। तो इसीलिए आज क्या नहीं है इसकी चिंता नहीं करना, पर आपको क्या करना है उसकी शुरुआत आज से आप कर लो। जो कुछ बनना है उसको बराबर को कह मुझे क्या बनना है। पर हमारे पास हमारा कोई प्लान नहीं है। एक मकान बनना है तो प्लान है, पर हमको यहां से जाएंगे तो कहां जाएंगे हमें पता ना। कोई कह सुनाए तो कह मृत्यु की बात नहीं करो भाई, अमंगल से। और मैं कह दूं भाई पढ़े पढ़ अपने मृत्यु करिए छे। प्राण करो छो, श्वास लो छो, जे श्वास लीधो त्यारे जीवता, श्वास गयो एटले गयो। श्वास बाहर गया और वापिस लौट के नहीं आया तो आप गए। श्वास श्वास पर ध्यान धर, पृथा श्वास मत खोई, ना जाने इस श्वास को आवन हो या न हो। आपका प्राणायाम श्वासोश्वास, रोज श्वास में श्वास लो। और श्वास में जब लेते हो सो हम बस परमात्मा को, प्राण में अणु अणु में परमात्मा आपके हो जाए। और कहो के मैं और कुछ नहीं हूं, यही है परमात्मा। धीरे धीरे आप रोज प्रैक्टिस करते रहोगे तो मेरा तेरा में झगड़ा कुछ नहीं है, इस मेरे तेरे में कुछ आने वाला नहीं। जब तक आपका प्राण है तब तक आपके पास है। प्राण निकला तो जाकर के सांप को जला देंगे, कोई रात को भी रखने वाले नहीं है। क्योंकि रात को
छह बजे हो गया हो तो सात साढ़े सात बजे रवाना कर देते, एक रात रखे लिए। और ऐसी वस्तुओं के लिए हम अपना 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 करके दुखी हो जाते हैं। पहली बात यह है कि आप अपने आत्मा को दुखी मत करो। राग से, द्वेष से, कोई आया कोई नहीं गया, अरे दूसरों के पागलपन के ऊपर तुम क्यों दुखी होते हो? पर हमारा वो है कि मेरा है, तेरा है क्या? तेरा है क्या? तू एक मानता है, तेरा कुछ नहीं है। इस संसार में कोई वस्तु आपकी नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरा शरीर है, पर मेरा शरीर है नहीं। शरीर तो ये पंच धातु का बना हुआ है, जैसा मैं निकला ये पंच धातु में सब मिल जाएगी। ये प्रतीति रोज रात में हो तो आत्मा के चैतन्य के रंगोगे और उसको कभी दुखी मत करो। आज ये संकल्प करके जाना है कि मैं मुझे कभी दुखी नहीं करूंगा, और जो कुछ आपको चाहिए आज से करना शुरुआत करो। एक जमाने की बात थी और राजस्थान के एक प्रांत में राजा का ऐसा नियम था कि राजा जब 60 वर्ष का हो जाए तब उसको राज्य छोड़ देना पड़ेगा, और जो राजकुमार छोटा है वो आएगा गादी पर, उसको तो निकलना 60 वर्ष के बाद, क्योंकि वो 60 वर्ष का हो गया, अब उसको निवृत्ति की जरूरत है, अब वो राजा राज्य नहीं कर सकता। तो ये राजा पंचावन वर्ष का हुआ और अभी रोज गिनने लगा कि अब तो 5 वर्ष रहे हैं, 5 वर्ष के बाद मुझे जंगल में जाना होगा, और ऐसा शरीर ऐसा मैल ये सब नहीं मिलेंगे, जंगल में रहना, क्योंकि उनका नियम था कि 60 वर्ष के हुए जंगल में जाओ। अब से प्रत्याराम जाने 60 वर्ष की उम्र हुई तो जाकर के पर्वत में जंगल में साधना करना, तो बड़ी चिंता में थे। उत्तर में एक संत आए उनके भाई और संत के पास बैठे। संत ने राजा को पूछा कि आप आनंद में हो? तो क्या हो तो सही, पर एक चिंता रहती है। क्या चिंता है? तो क्या मुझे अभी 55 वर्ष हुए हैं, अब 5 वर्ष में 60 वर्ष हो जाएंगे, और 60 वर्ष में होगा तो मुझे जंगल में जाना पड़ेगा, या तो ये बैल है, इतने नौकर हैं, इतनी सुविधा है, इतना सुख है, ये सब चला जाएगा। तो इस चिंता में मैं दुखी हो गया। उस संत ने कहा कि भला आदमी, चिंता छोड़। चिंता काई की? तो कैसा महल, इतने नौकर, ये जो सुविधा, वो जंगल में कहां मिलेगी? तो क्या जब तो 60 वर्ष का होगा तब ने कह यस, अभी तेरे कितना है? तो क्या 55 कितने वर्ष बाकी है? कि 5 वर्ष। तो क्या जहां पर जो जंगल है ना वहां जाकर के एक मैल बंधा दे। अभी तो तू राजा है, जो करना है जो चाहिए वो सब वहां द्वारा कर दे, और इतना अच्छा बना कि इस महल से भी वो अच्छा महल है, क्योंकि वो नया है, क्योंकि ये लोग तुझे जंगल में भेजेंगे। जाके हाँ मैं जंगल में जाता हूं, ये मेरा जंगल है, जंगल में मंगल कर दिया। कल आपके हाथ में आज है, कल जो कुछ करना है वो आज कर लो। कल की बात, कल का दिन तो किसने देखा,
इस दिन को आप खोए ऐसी, कल का दिन तो किसने देखा, इस दिन को हम खोए क्यों, जिस दिन में हम हंस सकते हैं उस दिन में हम रोए क्यों। आज तो हंसने का दिन है, आनंद है, पर हम तो आज से रोने का शुरुआत कर देते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और रो रो के ऐसा बना देते हैं। ये एक निर्भयता कैसी आएगी, आत्मा का पहचान आएगी। तो कल का दिन नहीं, आज का दिन जमा करो। रात को जब सो जाता हूं देखने का आज का दिन जमा होगा, किसी के प्रति अभाव नहीं, किसी के प्रति वैर नहीं, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं, मेरे मन में कोई भी किसी के प्रति जरा भी अप्रीति नहीं है। मन को चोखा करो। लोग मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, अरे मैं मंत्र किसका नाम कौन जानते हैं। आज आपका मंत्र आपके विचार है कि मैं एको हम नथी में कोई ना मनुष्य कसी, मैं एक हूं, मेरा कुछ नहीं और मैं किसी का नहीं, पर सबके मित्र बन के रहना है। मित्रता मेरा तेरा नहीं है, एक मैत्री भाव वो सबके प्रति, सब जीवों के प्रति, छोटा सा जानवर है उसके प्रति भी आपका मैत्री भाव। तो मित्र भाव मैत्री भाव का पवित्र झरना एक गीत, इसमें न संप्रदाय है न कोई नाम है, बस एक गीत रोज गाते गाते रात को सो जाओ, और आज जब तक सारा दिन जिए हैं उसका आनंद है, मन में कोई खराब भाव नहीं, आपको नींद इतनी मीठी आएगी, कोई बुरे सपने नहीं आएंगे, क्योंकि आपने मन को मंदिर बना दिया है। भाइयों हमारा मन मंदिर है, जिसका विचार जेल का आत्मा ये शरीर के ऊपर साम्राज्य करता है, तब तक हम बलवान हैं, पर जब हमारा निर्बल मन इस सर पर इस शरीर पर राज करता है तब हम निर्बल हो जाते हैं। मन का राज्य अपने ऊपर नहीं, अपना राज्य मन के ऊपर होना चाहिए। हम स्वामी है, आत्मा स्वामी है, तो इस जीवन को हम परमात्मा की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। भाइयों एक मोहनलाल करमचंद गांधी अहिंसा का पालन किया, सत्य का पालन किया, तो वो दुनिया में महात्मा बन गया। वो आत्मा क्या है, एक गुण की एक अच्छी डिग्री है, ये गुणवान है। आत्मा ही महात्मा है, महान है रे अच्छा, और एकदम संपूर्ण अच्छा हो जाता है तो वही आत्मा परमात्मा हो जाता है। परमात्मा आत्मा से भिन्न नहीं है, ये जितना शुद्ध बनता है इतना वो ऊपर जाता है, हमको भीतर में जाके शुद्ध करता है। रोज रोज देखो, रात को सोते वक्त देखना कि मारा मन में कोई नु वैर तो नहीं, मारू कोई दुश्मन नहीं, हूं तो एक आत्मा छू, परमात्मा छू। कोई भी बाहर की वस्तु लेकर के हम यहां से लेकर के नहीं जा सकेंगे, सब क्या करना है। तो एक भाई ने तो पूछा कि क्या करना चाहिए, तो मेरे तो क्या चार बात बताओ, हृदय मां प्रीत
हृदय के अंदर सब जीवों के प्रति प्रति होनी चाहिए, हृदय में प्रीत, गले में गीत। आप जो कुछ बोलो वो गीत में बोलो, मैत्री भाव का। ऐसी कोई बुरी बात ना लाओ, कोई श्री निंदा नहीं, किसी की उपाधि नहीं, बस गले में से जो निकले वो गीत है। तो हृदय में प्रीत, गले में गीत और मुख पर स्मित। हंसते रहो, अरे हंसते रहने में आपका जाएगा क्या? वो फोटोग्राफर को कहना पड़ता है कि जरा बड़ी वस्तु रखो, रोज हंसते रहो। आप देखो रास्ते में लोग जाते हैं, इतनी चिंता लेके जाते हैं रास्ते में, आप देखो जरा कोई आदत से हंसता हंसता नहीं जाता है। हृदय मां प्रीत, गला मां गले में गीत, मुख पर स्मित। सबके बनो मीत, बस आप क्या है कि सबके मैं मीत हूं, बस सबके मनो मीत, एक जीने की रीत। ये फॉर्मूला है अपना कि इसके चार बातें अपने रखिया के हृदय के अंदर सब जीवों के प्रति। कोई आदमी बहुत पैसे वाला हो, कोई अच्छा है, उसका नाम होता है, खुश हो जाओ कि बहुत अच्छा किया है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, देख देख के निकाल देना है भाइयों। हृदय शुद्धि करो, क्योंकि इसी में भगवान विराजमान है। हमारे मन में जो बुरे विचार होंगे तो परमात्मा कैसे आएंगे, वो कैसे विराजमान करेंगे। इसीलिए पहली बात ये है कि मानव जीवन एक ऐसा जीवन है कि जो कुछ करना है आप कर सकते हो। ऐसा मानव जीवन और संसार में कभी नहीं मिलेगा, आप किसी प्रकार से खरीद नहीं सकते हो। और एक पल एक भी दिन हमारा बेकार न जाए, इसीलिए मन दर्पण कहवाए। आपका मन एक दर्पण बना के रखो, बस खुद में देखो। भगवान के मंदिर में जाते हो तो भी ये कहते हैं कि ये हिंदू का है, ये वैष्णव का है, ये कृष्ण का है। वो अरे भगवान के नाम से भी एक भाई थे, कहते थे कि हमें शिव न बोलिए, हमें शिवानु काम न कहिए, दर्जी ने करके हमें शुद्ध वैष्णव चाहिए, मैं शिव नहीं। अरे शिवानु नाम पर शिवु नहीं, संदावा जाऊं तू, कपड़ा संदावा जाऊं तू, शिव ना शिवड़ावा जाऊं तू ना भाई। जूना जमाने में इतने के भूल से भी दूसरा भगवान का नाम ना आ जाए, क्या अजरान की बात है। करके शिवु नहीं, शिव अटल शिव ना मानी जाए, अरे हमें शिव नहीं मानिए, हमें तो शुद्ध वैष्णव। अरे शुद्ध करने रहे मन को, देख लिया संप्रदाय कहीं भी अच्छा भगवान देखो, राग देश जोड़ा दमन हो। तो जीवन को हमको सरल बनाना है, सहज बनाना है, शुद्ध बनाना है। सरल और सहज और शुद्ध, इस प्रकार को हम मन बना सकते हैं तो हमारे जीवन में जो आज होगा, आज जो आप कहोगे उसी का परिणाम आगे मिलने वाला है। कोई लोग जोशी के पास जाते हैं कि मेरा भविष्य कैसा है जनाब, वो जोशी भी सर है जो जानता तो तुम्हारे पास 100 रुपया के लिए आता क्यों। वो जो अभी जोशी कह सकता है तो वो ही खुद नहीं करेगा, पर कहते हैं कि बाजार कैसा होगा, वो जोशी के पास पूछते हैं, अरे क्या अक्कल है, वो जानता होता तो तुम्हारे पास वो आता क्यों होता।
हमको ये जानना है कि बस हमारे में जो है हमारा भाग्य है हमको मिल जाता है, पर हम किसी के ऊपर नहीं। इसीलिए पहली बात ये करना है कि मैं जो आज जीवन जीता हूँ वो मेरा बीज है। What I sow, that I will grow. परदेश में एक टर्किश बात आता है, टर्किश बात के जहां लोग जाते हैं स्नान करते हैं, और कुछ नहीं है, वहां फुआरा होता है, जुकीनी पानी में बैठते हैं, स्नान करते हैं, अच्छा कपड़ा देते हैं, उसको टर्किश बात कहते हैं फॉरेन में। तो एक आदमी एक सामान्य कपड़े में वहां गया, तो वहां पर जो काम करने वाला आदमी था उसने देखा कि कोई गरीब लगता है, तो वह उसको एक टुवाल दिया, जरा पूरा धोया हुआ नहीं था, पुराना टुवाल, एक छोटा सा साबुन का टुकड़ा दिया, और जाकर के नल खोल दिए, अपना स्नान किया। वो जब बाहर आया, बाहर जाकर के जाते भगत उसने 100 रुपया की नोट उसको दी, कितनी 100 रुपया के दी। वो जो काम करने वाला आदमी सोचा कि मैंने ऐसा साबुन दिया, पुराना टुवाल दिया, कोई शैम्पू भी अच्छा दिया नहीं, तो भी इसने तो 100 रुपया दिया। अरे अरे मैं अच्छा जो साबुन देता, अच्छे कपड़े देता था, बहुत अच्छी वो चला गया। वहां का जो काम करने वाला आदमी था वो बेचारा चिंता के है, मैंने एक तक घुमाई, ऐसा आदमी के सामान्य वस्तु के लिए 100 रुपये अच्छी देता तो 1000 दे देता, ये तो कोई उधार है। 3 दिन के बाद फिर वो आदमी आया, उसको देख लिया, अरे के ये आ गया, अच्छा हुआ, चलो आज बराबर दे ही है। तो जैसा आया कि उसके लिए सारा नया टवाल, टर्किश टवाल और यार्डली का साबुन, यार्डली का और बादाम का तेल मसाज के लिए, सब कुछ है, ऐसा सब है, सब दिया। बाद में वो सब स्नान किया और वहां आने से बाहर निकला, बाहर निकला दिक्कत ये बनते उसको 1 रुपया दिया। बोला ये क्या, ये बादाम का तेल, यार्डली सोप, ये सुंदर टावल और 1 रुपया। और वो 3 दिन के पहले कहा था तो 100 रुपया। तो उस आदमी ने उसको कहा कि दिस इज व्हाट आई एम गिविंग टुडे इज फॉर दैट डे, व्हाट आई गेव फॉर दैट डे वाज फॉर टुडे। जो मैंने तुमको आपको जो दिया उसका परिणाम आज मुझे मिला, आप जो बोते हो उसका फल आ जाता है, और वो जो था वो तुम्हारा जैसा था उसका आपने कोई अच्छा बोया नहीं था तो आज उसको आपको आपको 1 रुपया मिला। उस दिन अच्छा किया होता तो आज भी अच्छा मिलता। जो आज आप करोगे वो आपको मिलने वाला है भाई। आप क्या बोना है क्या पाना है वो आज को, व्हाट यू गॉट टुडे इज फॉर द अदर डे एंड व्हाट आई गेव फॉर अदर डे इज फॉर टुडे। आज आपको जो मिला है ने, आप कुछ अच्छा काम करके आए हो, इतना शरीर, 5 इंद्रियां, सारा घरना आज सुनने के लिए आपके पास
पांचों इंद्रियां हैं, सब कुछ है, ये कितना अच्छा है। इस मनुष्य जन्म को हम किस प्रकार से व्यतीत कर देते हैं और उनकी चिंता क्या करे। अरे भाई किसी के लिए कुछ भी हो तुम खुद को दुखी मत करो, आज से संकल्प करके जाओ कि मैं मुझे दुखी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे में परमात्मा बैठा है। पति भी कैसा हो, पत्नी भी कैसी हो, बच्चे भी कैसे हो, ये सब लेन देन है, पूरी हो जाएगी, सब निकल जाएगी। और आपने आपको जो दुखी किया वो आपके साथ आएगा, आपके साथ और कुछ नहीं आने वाला। हो सकता है ना, सच्चिदानंद सोहम परमात्मा का दर्शन करना के जो शुद्ध स्वरूप है वो मेरे में आत्मा है। आप जब खुद में जब परमात्मा का जब आप दर्शन करोगे तो आपको आनंद हो जाएगा कि नहीं मैं जो कौन हूं और मैं इन मोह के कारण मैं दुखी होता हूं। हमने बहुत दुखी किया, लोग दुखी नहीं करते हैं, आपको दुखी करते हैं। बेटा दुखी नहीं करता है, औरत दुखी नहीं करती है, तुम करते हो, वो तो निमित्त है। आज का प्रवचन इतना ही दिए है कि मैं अंदर बैठे हुए सच्चिदानंद को दुखी नहीं करूंगा। सो हम बस बार बार कहना कि नहीं क्रोध आ जाए तो कि नहीं मैं क्यों क्रोध करूं। कोई आपकी निंदा करे तो आप वो निंदा करे तो आप क्यों दुखी होते। मुंबई से एक आदमी न्यू गया था, जिनके वहां उतरे थे वो आदमी बहुत खुश और आनंद रहता था। 15 दिन रहा पर कभी भी उसको दुखी नहीं देखा। तो इसने सोचा कि इसकी सीक्रेट क्या है, इसका रहस्य क्या है। तो एक दिन क्या हुआ कि जिनके वहां ये उतरे थे उनका एक विरोधी इनको मिला और उसको पूछा कैसे हो। तो क्या भाई मैं तो यहां आया हूं, उतरा हूं, मेरा स्वागत बहुत अच्छा करते हैं, आनंद में हूं। अरे कि तुम जानते नहीं हो आदमी कैसा है, तुम्हारे लिए अच्छा है करके उसकी जरा बुरी बात थी। बैक बैटिंग कहते हैं उसको, पीछे से। और इस आदमी ने भला समझ करके उनको कहा कि भाई वो गुजराती था, उसने क्या कहे वो तुम्हारे त्या 15 दिवस रहे हो मैंने वो आनंद आ गए हो, पर एक बात तुमने कही दो कि फलाना भाई छे ये मोड़े मीठू बोले छे पर पाछळ तुम्हारी निंदा करी छे, तुम्हारू खराब बोलता था। तेरे आ मानस एक एमने पूछू के शू कहता था, एमने कीधु पण के ए खराब बोलता था तो एमने कई खराब लागी होशे એમાં મારે શું ભાઈ, એ ખરાબ બોલે ઇટ હિઝ પ્રોબ્લેમ, એ ખરાબ બોલે છે કારણ કે એને કઈક દુઃખ લાગે છે, મારે શું પૂછું કીધું। આપણે વાટ જોઈને બેઠેલા છીએ કે મારા માટે લોકો શું બોલે છે, અરે શું બોલે બોલે કે લોક અપના અપના દુઃખ બોલે છે। એ જો ખુદ કી પહેચાન કરને કે લીએ ए, प्रथम चरण है आचरण के, आपके जीवन में एक ही आचरण आ जाए कि नहीं बस अब मैं प्रथम चरण खुद को दुखी नहीं करूंगा, मेरी आत्मा पवित्र है और पवित्र रहने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा, बुरे विचार आए तो दिखा दो क्योंकि
खरे विचार अंदर जाने से हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारी प्रसन्नता वो सब उड़ जाते हैं। तो मित्रों, आज आपके बहुत आनंद में आना है और आपने इन्हें तो एक प्रत्येक वर्ष में आता हूं और दखी करके कहते हैं तो आपको अच्छे मिले हैं कि मार्गदर्शक के अच्छे से वक्ताओं को और उपदेश को ला करके आनंद आनंद करा देते हैं। तो बहुत अच्छी है, दिलीप भाई के लिए हमारा तो खूब खूब आशीर्वाद है। और बस आज से मन से ये करने का है कि भविष्य में आपको जो चाहिए वो आज किया करो। आज मैल बांध सकते हो जंगल में, 5 वर्ष के बाद क्या होगा वो कहीं नहीं, 5 वर्ष के बाद आपके पास मैल इस पेड़ से भी अच्छा होगा क्योंकि आज आपने बांध दिया है। आपको आने वाला जन्म है ही, क्योंकि जो बीज बोया है वो आने वाला है। तो जो कुछ करो वो आपके लिए करो, औरों के लिए नहीं। वो आपके लिए करते हो वो औरों के लिए हो जाता है, पर सच को चिंतन प्रसन्न। इसीलिए पूजा, धर्म, आराधना, मैत्री भाव नो पवित्र जरो पवित्र है। मुझे हरियामा व्या करे बस, शुभ थाओ आ सकल विश्व के, आखा जगत का भला हो ऐसी भावना निकले। कहीं भी गुण देखो तो मन ना छूटे कि क्या बात है, वह इसके तेज गुण है, ईर्ष्या नहीं। कहीं कोई आदमी गरीब है, दुखी है, कुछ दो। समीक्षा मत करो के भिखारी, अरे भाई भिखारी तुमने बनाए हैं ऐसे। मैं या जानता हूं कि जो गरीब को देखते हैं तो कांच दरवाजा बंद कर देते हैं कांच का कि भाई यह भीख मांगेगा, पर उसको भीख मांगने वाला करने वाले तुम हो क्योंकि तुमने एकत्रित बहुत किया है। दीन क्रूर और धर्म विहोना, देखी दिल में दया हुए। और आखिरी में वैर जैर ना पाप तजी ने बंदर मन में वैर की नहीं। तो आज का हमारा यही निवेदन है आप 3 बात का कि एक तो खुद को दुखी मत करो और जान लो के भीतर आत्मा है, मरने वाला है। अब हम अमर भय ना मरेंगे, हम मरने नहीं है, शरीर मरेगा तो भय नहीं रहेगा। शरीर तो मरने वाला ही है, कितनी भी चिंता करो, पर जो आत्मा अमर है वो जान लिया है तो शरीर का आप बराबर उपयोग करोगे, आप लंबा जियोगे। चिंता करके आयुष कम कर देते हैं, हमने तो ये देखे हैं। और घी दूध जो प्राणी के हैं वो लेकर के हम खाते हैं तो उनका श्राप हमको लड़ता है। आप जानते हैं कि जो दूध आता है वो बच्चों के लिए आता है। जब कोई भी स्त्री, अगर तो गाय गर्भवती होती है तो ही उसका खून का दूध बनता है, और वो भी जब तक वो बच्चा छोटा है तब तक दूध रहता है। बच्चा बड़ा हो गया दूध बंद हो गया। मिल्क इज ओनली फॉर द बेबीज। हम उसका दूध आज ले लेते हैं, ये बछड़े का क्या होता है? आपको मालूम नहीं है कि जो आज आपका डेयरी का दूध आता है उसके जो बछड़े का जन्म हुआ वो 5 बजे कसाई आके के ले जाते हैं। आज के डेयरी वाले कोई जगह पर 10 गाय है, किसी की 15 गाय है, किसी की 20 गाय है, और ये जाके अमूल डेयरी वगैरह है वो जाकर के ट्रक में दूध ले लेते हैं साथ से। पर वो जो खेडूत है उसको बेचारे को वो बच्चा दूध पी जाए और डेयरी वाले को दूध देना पड़ता है। तो गाय है तो ठीक है, पर बछड़ा है तो लेके करे क्या? आज कोई गाड़ी भी जरूर नहीं है, बैल भी जरूर आवश्यकता नहीं है,
खेती के अंदर जरूर नहीं है, सब बछेड़े को 5 और 4:30 बजे ये कसाई आकर के ले जाते हैं। दूध हमारे वहां आता है वो बच्चे का दूध, और वो बच्चा बेचारा मरता है। इसीलिए हमने जाम जिम के लिए दूध को घी को छोड़ दिया, तो आज हम हमारा चाहे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी नहीं आएगा। तो अपने को जीना है तो थोड़ा त्याग करो, और जा तो कभी तो लेमन का चाय कर सकते हो, सोया का कर सकते हो, पर एक घी दूध की जो आसक्ति है ये छोड़ोगे तो ये बच्चे बछेड़े का मृत्यु का दुख अपने को नहीं मिलेगा, और माँ और बेटे को वियोग हो जाता है। वो नाना बच्चा नानी 9 महीने तक माँ के पेट में था, उसको ये कसाई ले जाते हैं, उस माँ की क्या हालत होगी? वो बच्चा बिछाना जाता है, उसकी जिंदी चापड़ी निकालते हैं, जिंदी के जिसके कुंभ के जो चमड़े से पर्स बनते हैं, शू बनते हैं, जितना त्याग हो सके प्रथम चरण। कोई भी बात आपको लगे तो उसके प्रति आचरण करो, बस आपका आचरण हो तो मानव जीवन की साधना करने वाले के लिए देव भी ईर्ष्या करते हैं, ऐसा हमारा मनुष्य जन्म मिला है, उसको साफल करो। और धन्य हो आप सबको, नमन हो, जय हो, जय हो। चरण स्पर्श आज नहीं आप सके और खूब धन्यता अनुभवी है आप अहीं पधार्या और अपनी वाणी में हमने जे शुभ संदेश और शुभ संकेत आप्यो।